लेवल ऑफ क्रिएटिविटी का नाम सुना है आपने? आज आप देखेंगे भी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रेप्टिलियन लियो पर, जहाँ हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह एक ब्यूटीफुल लाइन से। एंड द ब्यूटीफुल लाइन इज, एक बार किसी ने एक बंदे से पूछा था कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। उस बंदे ने बोला यस बट इन अनदर नेशन। तो फिर उसने पूछा कहाँ से, फ्रॉम विच कंट्री। तो बंदे का जवाब था इन माई इमेजिनेशन। वैसे इसे कहते हैं ठग लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात फैक्ट नंबर वन के साथ। और अपना पहला फैक्ट है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारतीय संविधान। क्या आपको पता है कि जो अपना भारतीय संविधान है ये पूरी तरह से हस्त लिखित है, यानी कि इसे पूरी तरह से हाथ से लिखा गया है। और इन्हें लिखने वाले श्री श्याम बिहारी रायजादा थे। और ये जो सेकेंड पिक्चर आप देख रहे हैं, क्या बता सकते हैं कि ये कौन है? जी, इन्हें इंडियन इंडस्ट्री के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं टाटा ग्रुप के फाउंडर और इनका नाम जमशेद जी टाटा है। और ये पहले इंडियन थे जिनके पास एक कार थे, यानी कि ये पहले इंडियन है जो कि एक कार के मालिक थे। और ये पिक्चर देखिए, ये बहुत ही रेयर पिक्चर है जिसमें कि हमारे भारतीय यानी कि भारत रत्न जी और आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों एक साथ हैं एक पिक्चर में। आवर नेक्स्ट फैक्ट इज अबाउट द सलून। जी हाँ, अभी जो ये पिक्चर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप जो कैंची और रेजर देख रहे हैं इनके हाथ में, ये सलून हमारे इंडिया के पुणे में स्थित है। और यहाँ के मालिक यानी कि सलून के मालिक ने 8 तोला सोने की रेजर बनवा के रखी है, जो कि तकरीबन 4 लाख रुपए की है। और ऐसे ही इनके पास कैंचियाँ भी हैं जिससे कि ये बाल काटते हैं। और ऐसा इन्होंने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया है। क्यों, है ना अमेजिंग? कैसा लगा आपको? शॉकिंग तो था ही। नेक्स्ट फैक्ट इज अबाउट चाइना। जी हाँ, चाइना में एक विलेज है जिसका नाम आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा, क्योंकि ये मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा था इसलिए मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया। आपसे हो सके तो प्लीज़ आप समझ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस गांव की खासियत के बारे में। एक्चुअली में हुआ क्या ना कि इस गांव में तकरीबन 1,30,000 ट्रीज को प्लांट किया गया और उससे एक QR कोड जनरेट किया गया, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये इसे इसलिए जनरेट किया गया ताकि कोई भी अगर प्लेन्स अगर आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं तो वो इस कोड को स्कैन करके उसके ऑफिशियल पेज पे जाके पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं वहाँ के बारे में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि मैं हमेशा से कहते ही आ रहा हूँ कि प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली कम्प्लीट करनी है। नेक्स्ट फैक्ट इज अबाउट इंडियाज बिगेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल। जी हाँ, ये हमारे दिल्ली के बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में ओपन किया गया है। और ये हॉस्पिटल पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्लस फूड प्रोवाइड कराता है, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। ये हैं सरा रेक्टर। इन्हें जब ये 12 साल की उम्र की थी तब इन्हें एक ज़मीन दी गई थी जो कि फार्मिंग के लिए अनसुइटेबल थी, यानी कि बंजर ज़मीन थी। और फिर बाद में पता चला कि उस ज़मीन के नीचे तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये रातों रात करोड़पति बन गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, और वो है द ग्रीन स्क्रीन। जी हाँ, आपने फिल्मों में या फिर मूवीज़ में बहुत ऐसा देखा होगा कि VFX या फिर एडिटिंग के लिए एक ग्रीन पर्दे का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मूवीज़ में VFX इफेक्ट के लिए जो बैकग्राउंड में कपड़ा यूज़ किया जाता है वो एक्चुअली में हमेशा ही ज़्यादातर ग्रीन कलर का ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में ये ग्रीन कपड़ा ही क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसका कारण ये है कि जो ग्रीन कलर होता है वो हम इंसानों के किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट के किसी भी रंग से मैच नहीं खाता। इसकी वजह से बैकग्राउंड और हम इंसानों को उस बैकग्राउंड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये बहुत ही आसान होता है। और इसी ग्रीन कलर के पर्दे का ही कमाल होता है, जो कि हमें मूवीज़ में जो यूज हुए VFX इफेक्ट होते हैं हमें बहुत ही ज़्यादा रियल लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। आवर नेक्स्ट फैक्ट इज अबाउट द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। जी हाँ, अभी जो आप पिक्चर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस मतलब चेक में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट है या फिर कुछ और लिखा हुआ है? तो हुआ यूँ था कि जब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब एक इंसान ने
डोनेशन के तौर पे 2,14,214 रुपये डोनेट किए थे इस कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उन्होंने इस इतना क्रिएटिव वे में मतलब चेक पे साइन भी किया था या फिर अमाउंट लिखा था, जो कि लिखा तो हुआ 2,14,214 रुपये, लेकिन और उन्होंने 2,14,214 रुपये को राम राम के फॉर्म में लिखा हुआ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे हम कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें जानेंगे और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग या शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। तो प्लीज़ अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अब आपसे कल। धन्यवाद।